हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSC की छठे क्लास की हिंदी की किताब का सातवां चैप्टर भक्ति माधुरी। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला शब्द है पैजनी, फिर है भामिनी, फिर है न्योछावर, फिर है कलधौंत, फिर है मल्हावई। फिर आपका अगला प्रश्न सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है माँ यशोदा कृष्ण को पालने में क्यों झुला रही है। आंसर होगा माँ यशोदा जो है वो कृष्ण को पालने में इसलिए झुला रही है ताकि वो सो जाए। मतलब माँ यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए पालने में झुला रही है। फिर आपका अगला प्रश्न है जब बालक कृष्ण पालने में अकुलाते हुए जाग जाते हैं तो मैया क्या करती है। तो जब बालक कृष्ण पालने में अकुलाते हुए जाग जाते हैं तो मैया यशोदा उन्हें मधुर गाना सुनाती है। फिर है रसखान ने किसके भाग्य की सराहना की है। तो रसखान ने कौए के भाग्य की सराहना की है। फिर रसखान किस क्षेत्र में निवास की इच्छा प्रकट करते हैं। आंसर होगा रसखान ब्रज क्षेत्र में निवास की इच्छा प्रकट करते हैं। फिर है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। रेखांकित पद आया है इसमें ये, तो ये किसके लिए आया है। देवकी के लिए, यशोदा के लिए, राधा के लिए या ललिता के लिए। आंसर होगा खा यशोदा के लिए। फिर है सूरदास के पदों की भाषा है, कौन सी भाषा है सूरदास के पदों की। मारवाड़ी, डूढ़ाड़ी, ब्रिज या अवधि। आंसर होगा ब्रिज भाषा। पहले का आंसर होगा खा यशोदा के लिए और दूसरे का आंसर होगा गा ब्रज भाषा, मतलब ब्रज गा वाला सही है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है रसखान के सवैया धूल भरे अति शोभित श्याम जू जय तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इसमें कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया गया है। आंसर होगा रसखान के सवैया धूल भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। उनका जो बचपन है, उनका जो बाल रूप है, उसका वर्णन किया गया है। फिर है किसकी लकुटी व कमरिया पर कभी तीनों लोगों को राज्य निछावर करना चाहता है। किसकी लकुटी और कमरिया पर जो कभी है वो तीनों लोगों को राज्य निछावर करना चाहता है। आंसर होगा श्री कृष्ण की लकुटी व कमरिया पर कभी तीनों लोगों का राज्य निछावर करना चाहता है। फिर है तू काहे ना बेग सी आवई तो को कान्हा बुलावई। यहाँ कान्हा द्वारा किसे बुलाने के लिए कहा गया है। तो आंसर होगा तू काहे ना बेग सी आवई तो को कान्हा बुलावई। यहाँ कान्हा द्वारा नंद को बुलाने के लिए कहा गया है। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है माँ यशोदा मौन होकर इशारे कर करके बात क्यों करती हैं। तो माँ यशोदा मौन होकर मतलब बिल्कुल चुपचाप इशारों में बात इसलिए करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो कान्हा है वो सो गया है, श्री कृष्ण भगवान सो गए हैं और उनकी नींद जो है वो ख़राब ना हो। इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी भी कारण उनके लाल की आँख खुल जाए, इसलिए वो इशारों में बात करती हैं, बिल्कुल मौन रहती हैं, बोलती नहीं हैं, इशारों में बात करती हैं। फिर है श्री कृष्ण कहाँ खेल रहे हैं। तो श्री कृष्ण आंगन में खेलते फिर रहे हैं, मतलब आंगन में खेल रहे हैं। फिर है रसखान अपने नैनों से क्या देखना चाहते हैं। रसखान अपने नैनों से ब्रजभूमि के वनों बागों तथा तालाबों को देखना चाहते हैं। इसमें लिखा है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, परंतु ये जो आपके प्रश्न है ये तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, बहुत छोटे छोटे इसके आंसर हैं। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, इसमें पहला है श्री कृष्ण के बाल रूप का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आंसर होगा श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में खेलते फिर रहे हैं, मतलब अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। उनके सारे शरीर पर क्या है धूल मिट्टी लगी हुई है, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रहे हैं और जितने सुंदर वो लग रहे हैं उनके जो सिर पर बनी हुई चोटी है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। जितने वो सुंदर लग रहे हैं धूल मिट्टी में सने हुए, उससे ज़्यादा उनके सिर पर जो चोटी है बहुत सुंदर लग रही है। वह पीली लंगोटी पहने हुए हैं और उनके पैरों की जो पायल है वो बज रही है। तो श्री कृष्ण हाथ में मक्खन रोटी लिए घूम रहे हैं जिसे कौआ उनके हाथ से छीन कर ले गया। तो श्री कृष्ण का ये रूप मन को हरने वाला है, उनकी इस छवि के आगे चंद्रमा का रूप भी कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण अपने बाल रूप में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यह आपका अगला प्रश्न, माँ यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यत्न करती हैं, क्या क्या प्रयास करती हैं।
आंसर होगा माँ यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए बहुत यत्न करती हैं, बहुत प्रयास करती हैं। वह कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, वह पालने को धीरे धीरे झुलाते हुए कान्हा को प्यार से दुलारती भी हैं और यशोदा माँ उन्हें मल्हार मतलब गाना भी सुना रही हैं। वह नींद से भी प्रार्थना करती हैं कि तू जल्दी से आ जा, मेरा कान्हा बुला रहा है। जब कृष्ण आँखें बंद कर लेते हैं तो वह मौन होकर मतलब बिल्कुल चुपचाप होकर इशारों में इसलिए बात करती हैं ताकि उनके लाल की नींद ना टूट जाए, वो जग ना जाएं। और जैसे ही श्री कृष्ण अकुलाते हैं वो फिर से उन्हें मधुर गाना सुनाने लगती है। तो जो माँ यशोदा हैं कृष्ण को सुलाने के लिए कई तरह के प्रयास करती हैं। आपका अगला प्रश्न, कवि रसखान कृष्ण का सामिप्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या न्योछावर करने को तैयार है। मतलब जो रसखान है कृष्ण के समीप रहने के लिए क्या क्या न्योछावर करने को तैयार हैं, क्या त्यागने को तैयार हैं। आंसर होगा कि कवि रसखान श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो रसखान कृष्ण प्रेम के बदले संसार के समस्त सुखों, संसार की समस्त संपत्तियों, अमूल निधियों को छोड़ देने के लिए तैयार हैं। संसार की अमूल सिद्धियाँ निधियाँ जो भी हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। कृष्ण के प्रेम में डूबे रसखान कृष्ण की लकुटी मतलब लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो वो कहते हैं अगर नंद की गाय चराने के साथ कृष्ण के सामिप्य का अवसर प्राप्त हो जाए, मतलब जो नंद हैं उनकी गाय चराने के साथ साथ उनको श्री कृष्ण का सामिप्य प्राप्त हो जाए, उनके समीप रहने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो संसार की आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी मैं भूल जाऊँ। मुझे तो बस क्या है श्री कृष्ण का सामिप्य चाहिए, उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो किसी भी तरह मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं उनके साथ रहने के लिए संसार के समस्त सुखों को त्याग सकता हूँ, अपने जो संसार के समस्त सुख हैं उनको भी मैं त्याग दूंगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताया गया है कि हिंदी भाषा में स्रोत की दृष्टि से 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव, एक होते हैं देशज, एक होते हैं विदेशज, एक होते हैं संकर। तो बताया गया है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, दुग्ध है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में इनको ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। एक होते हैं तद्भव, तो वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से विकसित होकर हिंदी में आए हैं वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे आग, तो अग्नि संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी है आग, दुग्ध का दूध। फिर है देशज, देशज वे शब्द जो स्थानीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आए हैं, जैसे खिड़की है, सूप है। विदेशज वो होते हैं जो विदेशी होते हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे कि डॉक्टर है, स्कूल है। फिर है संकर, तो वे शब्द जो दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे कि हम कहते हैं टिकट घर मतलब टिकट और घर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये हो गया संकर शब्द। तो आप भी ये प्रत्येक प्रकार के दो दो शब्दों के उदाहरण लिखिए। तो तत्सम शब्द हो गए आम्र और मुख, तद्भव हो गए आम और मुँह, देशज, देशज अपने देश की जो भाषा है उसमें बोले जाने वाले शब्द हैं, पगड़ी और रोटी। विदेशज ये जो इंग्लिश के शब्द होते हैं, टेलीफोन, डॉक्टर, ये कौन से शब्द हो गए? विदेशज हो गए। फिर है संकर, ये हो गए लाठी चार्ज, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं लाठी और चार्ज, वर्षगांठ, वर्ष और गांठ। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर के, वो हमने करवाए हैं। इसके आगे के जो हैं वो आप अपने आप देख लीजिए और इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।